वेरी गुड इवनिंग टू यू गाइज। आई आर पी मिश्रा वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ चंदा इंस्टीट्यूट। तो गाइज बी टुक लेक्चर नंबर 8 ऑन शेक्सपियर एंड कॉमेडीज। वोट बी टुक एज यू लाइक इट, बी टुक लव्स लेवर्स लॉस्ट, बी टुक ट्वेल्थ नाइट, बी टुक ऑलमोस्ट 5 कॉमेडीज लास्ट नाइट। सो गाइज एक्चुअली दीज कॉमेडीज मेक अस थिंक वोट इज द इसेंशियल, what is the element and what is that very you know thing which makes a Shakespearean comedy। मतलब गाइज कहने का अर्थ है कि पांचों कॉमेडीज पढ़ने के बाद हम खुद सोच सकते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको पहले पढ़ा सकता था पर मैं इसको अभी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वह क्या चीज़ है जो निर्माण करती है विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज का, मतलब कैसे बनता है प्लॉट, क्या होता है कहानी का मूल आधार, कैसे बनती है विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी। तो गाइज दीज आर 10 पॉइंट्स, वी हैव टू गो थ्रू वन बाई वन। तो ये वो 10 पॉइंट हैं जो बनाते हैं विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी को। तो लेट्स गो विथ देम वन बाई वन। तो लेट्स टेक वन, अ लव कॉमेडी। तो चलिए एक बार देखते हैं, चाहे आप उठा के टेम्पेस्ट को देख लो, चाहे आप रोजालिंड एंटोनियो की कहानी देख लो, चाहे ओरलैंडो की कहानी देख लो, चाहे आप ट्वेल्थ नाइट देख लो, चाहे आप मिड समर नाइट्स ड्रीम में हर्मिया की कहानी देख लो, हेलेना की कहानी देख लो, चाहे आप लाइसेंडर की कहानी देख लो, चाहे डिमेट्रियस की कहानी देख लो, चाहे आप लव्स लेवर्स लास्ट में ड्यूक मतलब किंग ऑफ नवारे उनके दोस्तों की कहानी देख लो, व्हाट इज मोस्ट स्पेसिफिक, जो सबसे खास है अबाउट अ शेक्सपियरियन कॉमेडी, दैट इट इज अ लव कॉमेडी। मतलब बेसिकली जो इसकी कहानी होती है वह लव पर बेस्ड होती है, मतलब प्यार मोहब्बत इन पर बेस्ड होती है कौन, शेक्सपियर की कॉमेडी। दूसरा देखिए, पूरा वक्त देता है, कोई जल्दी नहीं है, कोई मारकाट नहीं, कोई हिंसा नहीं, आई मीन देर इज नो एनी काइंड ऑफ हरी, कोई जल्दी नहीं है, नो बॉडी इज इन हेस्ट, कोई जल्दबाजी में नहीं है, कोई डेंजर इम्पेंडिंग नहीं है, रोमांटिक एटमॉस्फेयर का क्रिएशन करता है, हीरो हीरोइंस फॉरेस्ट में होते हैं, आइलैंड्स में, जैसे चलो बात करते हैं प्रोस्पेरो की, आई मीन रोजालिंड और ओरलैंडो के लव स्टोरी की जो दिखाई गई किस में, टेम्पेस्ट में, क्या देखते हैं, एक आइलैंड है वहाँ पे प्रेमी प्रेमिका के लिए एक आदर्श जगह है रहने के लिए एंड टू मेक लव। तो गाइज द बिगेस्ट थिंग इज दैट सेटिंग क्या दी जाती है, और आप हर्मिया को देख लो, आप देख लो हेलेना, मैं बात कर रहा हूँ मिड समर नाइट्स ड्रीम की। तो मिड समर नाइट्स ड्रीम में आप देखो हर्मिया और लाइसेंडर, हेलेना एंड डेमेट्रियस भटक गए हैं कहाँ, गार्डन ऑफ आर्डन में। तो गार्डन ऑफ आर्डन में हम क्या देखते हैं, वहाँ पे टाइम है लोगों के पास प्यार करने के लिए, एक दूसरे से उलझने के लिए, इजहार करने के लिए, प्रपोज करने के लिए। तो सेटिंग ही ऐसी देता है जिसका सेटिंग पूरा रोमांटिक हो। हीरोइंस डिस्गाइज्ड एज बॉय, जैसा आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसा आपने देखा किसमें, सेबेस्टियन की स्टोरी। तो सेबेस्टियन की स्टोरी में हमने क्या देखा दोस्त, कि वायला किसके रूप में, वायला इज डिस्गाइज्ड एज अ बॉय जिसका नाम है सिजेरियो। तो वायला सिजेरियो, मतलब ज़्यादातर हीरोइने टू गुल टू टीज देयर लवर्स डिस्गाइज देमसेल्व्स एज बॉयज, खुद को लड़कों के भेष में रखती हैं, और बहुत देर बाद हीरो कम्स टू नो कि नहीं ये जो लड़का है, इट्स इनफैक्ट नॉट अ लड़का, इट्स अ गर्ल है, एक लड़की है। ये आप कहानी देख सकते हो गैनीमेड के रूप में, यह गैनीमेड का रूप धारण करती है, और आप इन सब कहानियों के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, जिसे आप सारे लोग जानते हैं, गैनीमेड का रूप धारण करती है कौन, रोजालिंड, सीलिया बनती है पुअर लेडी। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ द टेम्पेस्ट। तो गाइज फिर क्या होता है कि फिर से वही होता है, अपने प्रेमियों को रिझाती हैं, उन्हें परेशान करती हैं। तो जनरली इन मोस्ट ऑफ द स्टोरीज टू गिव मोर इन्हेंस्ड रोमांटिक एंड लव सेटिंग, हीरोइंस आर डिस्गाइज्ड एज बॉयज। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड मैरिज एट द एंड। ध्यान रखिएगा गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन 16th century आई मीन शेक्सपियर नेवर रोट अबाउट बिरेफ्ट रिलेशनशिप्स। शेक्सपियर ने कभी भी भटकी हुए संबंधों के बारे में नहीं लिखा। वो मानता था कि मैरिज शुड बी
end of any kind of love. I mean, if there is a love between a girl and a boy, the natural, the good, the suitable ending of that love should be marriage. Or aap dekh sakte hain guys ki Shakespeare ki koi bhi aap comedy utha ke dekh lo, 12th night, as you like it, loves keval loves or lovers lost chhod de, midsummer night's dream, 12th night, sabhi ke ant mein sare premi premika mil jate hain aur ant mein hota hai kya? मैरिज एट द एंड ऑफ द प्ले. नेक्स्ट ट्विन शिपरेक्स अपने पात्रों को भटकाता है. जैसे आप देख सकते हो कहानियाँ, लोग ट्विन्स होते हैं. मतलब बेसिकली कहानी क्या होती है, जैसे हम देखते हैं क्या कि वायला और सेबेस्टियन भटक गए हैं. तो वायला जो कि जुड़वा बहन है किसकी, सेबेस्टियन की, दोनों एक जनरली कोई तूफान आता है, समंदर में कोई भटकाव होता है, इस तरह से प्रेमी प्रेमिका भटक जाते हैं, माता पिता भटक जाते हैं, जुड़वा बच्चों की कहानी होती है. यह भी एक एलिमेंट है किसका, शेक्सपियरियन कॉमेडी का. अगला ड्यूक्स एंड किंग्स, मतलब जो लोग प्यार करते हैं वो भिखारी बिल्कुल नहीं होते, वरना उसमें रोमांस जैसा, भाई जिसको कमाने का टेंशन है उसके अंदर रोमांस क्या होगा. तो शेक्सपियर ऐसे करेक्टर ही क्रिएट करता है जिनके पास रोमांस के लिए बहुत टाइम है. उनके करेक्टर्स होते हैं, ड्यूक्स होते हैं, किंग्स होता है, उसी तरह से हीरोइनें भी होती हैं, राजकुमारियाँ होती हैं, हेरेसेज होती हैं, किसी बड़े घराने की उत्तराधिकारी होती है, या फिर काउंटेस होती है, नवाब की बेटी होती है. तो वो ऐसे एटमॉस्फियर ही क्रिएट करता है वेयर टू मेक लव इज क्वाइट इजी. एंड देन गाइस, ब्यूटीफुल हीरोइंस, ऑल द हीरोइंस ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडीज एज यू लाइक इट, 12th नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम्स, मतलब इन ऑल द मेजर कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर की जो हीरोइंस हैं गाइस, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हैं. लव सॉन्ग्स, हीरोज हीरोइंस, मेजर करेक्टर्स प्यारे प्यारे गीत गाते हैं. जैसे कहने करते हैं, चलो हम लोग बात करते हैं और सीनों की, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, अगर संगीत प्यार का भोजन है तो संगीत को जारी रखा जाए. मतलब कि लव सॉन्ग्स, धुआंधार बड़े बड़े इमोशनल डायलॉग्स आते हैं. एंड देन रोमांटिक सेटिंग्स, पहले ही बता चुका हूँ, जंगल होते हैं, बगीचे होते हैं. आई मीन शेक्सपियर न्यू द टेस्ट ऑफ हिज एज. आज भी क्यों शेक्सपियर को कहा गया है दुनिया का महान नाटककार, मतलब उन्होंने जब ट्रेजिडी लिखी, ही क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स ऑफ ट्रेजिडी, मतलब ही रोट मास्टर ट्रेजिडीज. मतलब शेक्सपियर ने ऐसी ट्रेजिडी लिखी, हेमलेट लिखा, थेलो लिखा, मतलब कमाल कर दिया गाइज. पर उसी तरह से उन्होंने कॉमेडीज भी लिखी. जब उन्होंने कॉमेडी लिखी तो उसमें ट्रेजिडी को टच भी नहीं होने दिया बॉस. मतलब वो ऐसी सेटिंग ही देता था जहाँ पे मजे से हम अश्योर है जाते हैं कि एट लास्ट कभी भी एंड दुखद नहीं हो सकता. इसलिए वो शुरू से ही रोमांटिक सेटिंग, चिड़िया, नवाब, राजा, महाराजे, खूबसूरत हीरोइने, लव पोएट्री, ये सारे रोमांटिक सेटिंग. देन कॉम्प्लिकेटेड लव. अब देखिए गाइज कैसे होता है, ये बस एक कहानी सुनेंगे. हम बात करेंगे किसकी, इसकी एज यू लाइक इट के साथ साथ हम बात करेंगे इसकी 12th नाइट की. तो एक बार 12th नाइट हम लोग देखेंगे क्या होता है. अब देखो कैसे होता है कि जो ओरिसिनो होता है, ड्यूक ओरिसिनो, वो वास्तव में प्यार करता है किसको, ओलिविया को. अब यहाँ पे जो वायला होती है, सेबेस्टियन की बहन, वो एक लड़के के भेष में होती है जिसका नाम होता है सिजेरियो. अभी ओलिविया को तो मतलब वायला को तो देख नहीं सकता ओरिसिनो. अब वो बेचारा गलती से वो तो प्यार करता है किसको, ओलिविया से. पर वायला जो कि एक लड़के के भेष में है, वो ओरिसिनो से प्यार करती है, ध्यान से सुनिएगा. और गलती से ओलिविया बेचारे वायला को, मतलब बेचारे क्या, बेचारी बोलूँगा, बेचारी वायला को लड़का समझकर उससे प्यार करने लगती. तब कहानी क्या है कि वायला प्यार करती है ओरिसिनो से, ओरिसिनो प्यार करता है ओलिविया से, और ओलिविया लड़का समझकर किससे प्यार करती है, वायला से प्यार करती है. मतलब कॉम्प्लिकेटेड शुरू, एक बार कहानी को फंसाता है विलियम शेक्सपियर. और कॉम्प्लिकेटेड लव होता है यार, कभी कभी क्या होते हैं लव ट्रायंगल्स होते हैं गाइज. मुझे पूरा यकीन है गाइज कि लेक्चर आपको बहुत काम आएगा. सो ठीक है गाइज, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर लेक्चर ऑन अ शेक्सपियर एंड हाउ अ शेक्सपियरियन कॉमेडीज ट्रेजडीज मेड. तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये लेक्चर बहुत ही काम आएगा. तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक गाइज, लेट्स गो.